उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री शपथ ग्रहण के बाद गृह जनपद में प्रथम बार आगमन पर कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। गुलाब देवी ने सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी का धन्यवाद किया। संबल जनपद में चंदोसी विधानसभा से विधायक गुलाब देवी को विजयी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के द्वारा सौंपी गई है। गुलाब देवी शपथ ग्रहण समारोह के बाद जनपद संबल में प्रथम बार आगमन पर स्थान स्थान पर उनका कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसी क्रम में गुलाब देवी ने सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपने कार्यकर्ता एवं वोटरों को साथ लेकर सरकार के द्वारा चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चंदोसी विधानसभा क्षेत्र में स्थान स्थान पर हुए स्वागत समारोह के दौरान भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी भारी संख्या में मुस्तैद रही। मंत्री जी, आप पहली बार जो है मंत्री बनने के बाद यहाँ आई हैं, चंदौसी में जोरदार स्वागत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की जनता के लिए? ये हमारी पार्टी की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उनके प्रखर नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत का परिणाम है, उनकी कर्तव्य परायणता का परिणाम है, ये पार्टी के अनुशासन का परिणाम है और सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और जनता के घर घर पहुँच रही हैं और जनता ने जो सहयोग दिया है, ये उसका परिणाम है। जो कार्यकर्ता और वोटर आपके जो है आपके समर्थन में एक चट्टान की तरह खड़े रहे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विशेषता है कि वो चट्टान की तरह हर जगह खड़े रहते हैं। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के परामर्श से और उनको साथ लेकर ही हम विकास का कार्य करेंगे और जो हमारी योजनाएं हैं उन्हीं के माध्यम से हम घर घर पहुँचाएंगे।